नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो आज आप देख रहे हैं यूपी में स्वाइन फ्लू की दस्तक। कानपुर में इस साल स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। 70 वर्षीय बुजुर्ग जो गुरुग्राम से कानपुर आए थे, उनमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। उन्हें कानपुर के लाला लाजपत राय हेल्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां तमाम मामले सामने आते ही स्वाइन फ्लू को लेकर प्रशासन अलर्ट जारी कर दिया है। मरीज की निगरानी को देखते हुए इलाज किया जा रहा है। बुजुर्ग मरीज को अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में आइसोलेशन में रखा गया है, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। स्वाइन फ्लू के फैलने के खतरे का देखते हुए अलग रखा गया। डॉक्टर के अनुसार गुरुग्राम के एक बड़े अस्पताल में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद उन्हें कानपुर लाया गया था और हेल्थ अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर का हेल्थ अस्पताल के संचारी रोग नोडल अधिकारी डॉक्टर बीपी प्रियदर्शनी ने बताया कि मरीज को कोरोना के नियमों की तरह आइसोलेशन में रखा गया है, ताकि संक्रमण फैलने का खतरा कम हो। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और उपचार जारी है। स्वाइन फ्लू के दो मरीज हम यहाँ भर्ती हुए थे, इसमें कि एक सीओपीडी और डायबिटीज हाइपरटेंशन का, वो मंगल को भर्ती हुए थे जो कि बृहस्पतिवार को एक्सपायर हो गए। और दूसरे जो महिला थी वो भी एडमिट हुई थी, सस्पेक्टेड ही था। बाहर की रिपोर्ट पॉजिटिव थी, लेकिन हमने केजीएमयू से रिपोर्ट कराया, वो रिपोर्ट सब उसकी पूरी निगेटिव आई है। वर्तमान में सर यहाँ कितने पेशेंट एडमिट हैं? तो वर्तमान में अब हमारे पास स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव केस कोई भी एडमिट नहीं है। कानपुर में मरीज मिलने के बाद यूपी में अलर्ट हो गया। रायबरेली में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। स्वास्थ्य विभाग ने 5 बेडों का अलग वार्ड बनाया। जिला अस्पताल का केन्यूज की टीम ने जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। फिर से पैर पसारना शुरू कर चुका है। आपको बता दें कि कानपुर हाथरस समेत कई जनपदों में स्वाइन फ्लू से कई मौतें हो रही हैं। वहीं रायबरेली जिले के जिला अस्पताल में भी स्वाइन फ्लू को लेकर के व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आपको बता दें कि स्वाइन फ्लू को देखते हुए रायबरेली के जिला अस्पताल में एक वार्ड बनाया गया, जिसमें 5 बेडों का ये वार्ड रखा गया है। वहीं स्वाइन फ्लू को देखते हुए डॉक्टरों की भी तैनाती की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कैमरे के सामने कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने बताया कि 5 बेडों का एक बेड तैयार किया गया है, जिसमें स्वाइन फ्लू के मरीजों को देखा जाएगा, जिसको लेकर के डॉक्टरों की भी तैनाती कर दी गई है। तो वहीं रायबरेली जिले में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते जनपद कासगंज के पड़ोसी जनपद हाथरस, फिरोजाबाद व जनपद कानपुर में स्वाइन फ्लू को लेकर 3 लोगों की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। पड़ोसी जनपद में स्वाइन फ्लू के चलते हुई मौत को देखते हुए कासगंज जनपद का स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू की दस्तक को देखते हुए जिला अस्पताल में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसको लेकर स्वाइन फ्लू की जाँच, मरीजों के लिए बेड व दवाइयाँ सहित सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। जिला अस्पताल अधीक्षक संजीव सक्सेना ने बताया कि अभी तक जनपद में स्वाइन फ्लू का कोई मरीज नहीं निकला है। साथ ही पड़ोसी जनपदों में स्वाइन फ्लू के जो मरीज देखते हुए यहां पर भी सतर्कता अपनाई जा रही है। देखिए, तो बहुत अच्छी बात यह है कि मीडिया इस चीज़ को प्रसार प्रसार कर देता है, तो लोगों को एक अवेयरनेस जाती है। स्वाइन फ्लू अब काफ़ी, जब से कोविड आया तो लोगों को स्वाइन फ्लू से बचाव के बारे में बहुत चीज़ें पता लग गई। पहले जब नया नया था तो लोग जानते भी नहीं थे। और स्वाइन फ्लू में सबसे ज़्यादा तैयारी जो करनी है वो स्वास्थ्य विभाग के अलावा जनता को भी करनी है। वही तरीका है जो कोविड में हम बचाव करते थे, मास्क पहन के रहेंगे। जो इन्फेक्टेड लोग सस्पेक्टेड भी लग रहे हैं वायरल फीवर वगैरह के, उनको भी थोड़ा बचाव करेंगे उनसे। और इसका सुअर से सीधा सीधा मतलब है, तो जहाँ सुअर पालन हो रहा है वहाँ अगर कोई इन्फेक्टेड लोग मिल रहे हैं
तो थोड़ा सा हम लोगों को इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि उस जगह पे बीमार है तो उसका जांच कराएं। जांच की सुविधा हमारे यहाँ ज़िले में उपलब्ध है। पहले सारे सैंपल लखनऊ भेजे जाते थे किस ज़माने में, कोरोना की तैयारी के बाद ये व्यवस्था हो गई। BSL-2 लैब है जिसमें सारी RT-PCR की जाँच, H1N1 की जाँच हो जाती है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जिला अस्पताल में इसको लेकर कोई खास तैयारी की गई है? हम लोगों ने अपने बेड तैयार करे हैं कुछ, जिसमें कि मतलब पूरी तरह से आइसोलेट रहेगा पेशेंट और उसकी तीमारदारी स्टाफ नर्स डॉक्टर सब लोग ढंग से कर पाएंगे, उससे दूसरे को इन्फेक्शन नहीं होगा और उससे बिल्कुल अलग से महसूस नहीं होगा। अपने जनपद में अभी तक कोई ऐसा मरीज पाया गया है? नहीं, हमारे जनपद में नहीं आया। हम लोग भी सारा स्क्रीनिंग करते हैं, फीवर के हर केस को इस तरह से चेक करते हैं कि उसमें पता लग जाए कि चिकनगुनिया तो नहीं है, इसका टाइफस तो नहीं है, मलेरिया डेंगू ये सब नहीं है। तो अगर ये नहीं होता तो फिर हम उसकी तरफ बढ़ते हैं कि उसके सिम्टम कहीं इससे तो नहीं मिल रहे। हाथरस के युवक की जयपुर में हुई स्वाइन फ्लू से मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मृतक के परिवार के अलावा बुखार सूखी खांसी संबंधित अन्य केस को भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजीत सिंह का कहना है कि जनपद के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए गए हैं। किसी भी मरीज को जिसे लगातार तेज बुखार या खांसी की समस्या है तो उसका सैंपल लेकर जांच कराई जा रही है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जिला अस्पताल रेफर करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं जब उनसे स्वाइन फ्लू के लक्षणों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि तेज बुखार आना, सूखी खांसी आना, सिर दर्द, कमजोरी और थकान होना, मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द और बदन दर्द, पेट दर्द के साथ दस्त, उल्टी, गले में खराश, छींक आना, नींद ना आना और भूख कम लगना और कभी कभी निमोनिया और सांस लेने से परेशानी ही इसके लक्षण। बता दें कि 29 अगस्त को हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र के एक गाँव के युवक की जयपुर में स्वाइन फ्लू से मौत हो गई थी। मौत से पहले युवक पिछले 1 महीने से बुखार से पीड़ित था। आगरा में जाँच के बाद युवक में स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि हुई थी। इस मामले में जानकारी देते हुए जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पता चला तो उनके होश उड़ गए, जिसके बाद CMO ने मृतक युवक के गांव पहुंचे जहां पर उन्होंने लोगों को सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए थे। CMO के साथ गई टीम के अधिकारी और कर्मचारियों ने ग्रामीण को जागरूक किया। सर, हमारी सभी PSC CSC में सबको अलर्ट कर दिया गया है और जहाँ भी इस तरह का बुखार मिल, कोई बुखार का मरीज आता है उसका मलेरिया डेंगू की जांच करी जा रही, सस्पेक्ट होता है तो खुद तुरंत ही हमने कहा यहाँ बागलास्ता भेजा है, उसको रेफर करें। सारी तैयारियाँ हैं, पूरी जागरूकता फैलाई जाए, किसी भी तरह की से अनुरोध निपटने के लिए हम तैयार हैं। सर, एंकर विशाल पंडित है इस समय। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद सिंह हैं, BJP नेता, आपका स्वागत है। बहुत वरिष्ठ चिकित्सक, देश के माने जाने माने चिकित्सक डॉक्टर RN चौरसिया, पूर्व अध्यक्ष हैं IMA के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राज तिलक जी हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, देश के जाने माने डॉक्टर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, केशवानंद शुक्ला रायबरेली से, प्रशांत सोनी कासगंज से और कौस्तुभ मिश्रा कानपुर से। मैं सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख करूँगा। कौस्तुभ, जिला अस्पताल में सतर्कता बरती जा रही है, पूरे यूपी में कानपुर में वो पहला मरीज निकला है, जिसको लेकर अब किस तरीके से तैयारियां जिला प्रशासन कर ली है 5 बेड के अलावा?
जी विशाल, बिल्कुल आपको बता दूं, कानपुर के हेलेट अस्पताल में सस्पेक्टेड स्वाइन फ्लू के दो मरीज थे, जो जिसमें एक जो बुजुर्ग मरीज था वो गुरुग्राम से भर्ती हुए थे, जिनकी डेथ हो गई है। हालांकि उनकी रिपोर्ट में भी स्वाइन फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं एक महिला मरीज शांतपुर के निजी अस्पताल से हेलेट में भर्ती हुई थी, उनकी जांच रिपोर्ट केजीओ में से कराई गई है, जिसमें वो निगेटिव आई है। तो इस वक्त कानपुर के हेलेट अस्पताल में स्वाइन फ्लू से ग्रसित कोई भी मरीज नहीं है। वही अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो स्वाइन फ्लू को देखते हुए कानपुर का हेलेट और जिला अस्पताल उलसिला बेहद अलर्ट है, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है, अलग वार्ड बना दिए गए। इसके साथ ही जो स्वाइन फ्लू में दवाएं लगती है, सारी चीजों की उपलब्धता कर ली गई। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर स्वाइन फ्लू के मरीज बढ़ते हैं तो उनकी तैयारियां पूरी हैं। जी जी बिल्कुल, कासगंज का रुख करेंगे हमारे साथ प्रशांत सोनीवाल। प्रशांत, जैसे फिलहाल तो मंजीत सिंह ने बहुत लोगों को, जो अधीक्षक थे उन्होंने बहुत लोगों को बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे करें, लेकिन तैयारियों को लेकर क्या स्थिति है और क्या क्या जागरूकता की जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में? अनम्यूट कर लीजिए प्रशांत जी। विशाल, आपको बता दूं, कासगंज के अंदर स्वास्थ्य विभाग ने, यहाँ पड़ोसी जनपद जो हाथरस में एक महिला की मौत हुई थी, जिसको देखते हुए यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर जाकर लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग स्वच्छ रहिए, साथ ही जो आसपास जो पानी बहता है, पानी भरा रहता है, उसको भी वहां से भी बच के रहिए। साथ ही उन्होंने जो जहाँ पर ज्यादातर सुअर पालन होता है, उन लोगों को भी सचेत रहने के लिए जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही जिला अस्पताल के अंदर कई बेड तैयार किए गए हैं, जिसमें 3-4 कमरे हैं जिसके अंदर बेड तैयार किए गए हैं, जिन्हें हम पीको वार्ड कह रहे हैं। साथ ही उसके साथ हम ऑक्सीजन से लेकर सभी चीजें तैयारियां कर रखी हैं। जी जी बिल्कुल, केशवानंद का रुख करेंगे। केशवानंद, रायबरेली में आपने इससे बताया, कोई अधिकारी बोलने को क्यों नहीं तैयार है? इसमें तो भैया जितनी आप प्रचार प्रसार करेंगे लोग उतना ही समझेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम को चलाया जाना चाहिए, CHO, NHM, तमाम ऐसे पद है जो लगातार स्वास्थ्य मेला, आरोग्य ऐप और तमाम चीजें कर रहे हैं, तो उनको ये करना चाहिए। आप उनको आदेश दिए, CMO साहब कह दे कि जाइए पता करिए, मॉनिटरिंग करिए, मार्किंग करिए, ऐसी कोई तैयारी रायबरेली में नहीं है क्या? बिल्कुल विशाल, देखिए एक बार फिर से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू अपने पैर पसारना शुरू कर चुका है। जैसा कि कानपुर, हाथरस सही ऐसे तमाम जिले उत्तर प्रदेश में जहां स्वाइन फ्लू से लगातार मौतें होना शुरू हो चुकी है, वही रायबरेली में अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य महकमे ने जरूर तैयारियां कर ली है। रायबरेली के जिला अस्पताल में 5 बेडों का एक वार्ड बनाया गया है जो कि स्वाइन फ्लू के लिए होगा, तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन अभी रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली जिले में अभी तक स्वाइन फ्लू का एक भी पेशेंट नहीं मिला है। इस समय रायबरेली जिला अस्पताल मौजूद है, इसी के अंदर आपको बता दें कि एक वार्ड बनाया गया जहां 5 बेडों का वार्ड, बाकायदा डॉक्टरों की टीम की तैनाती की गई है, पूरे स्टाफ यहाँ पे तैनात है। लेकिन अगर बात की जाए तो स्वाइन फ्लू के मामले को लेकर के, जब इस पूरे मामले को लेकर के CMS प्रदीप अग्रवाल से इस पूरे मामले की बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ बोला नहीं, लेकिन उन्होंने विदाउट कैमरा उन्होंने बताया है कि 5 बेडों का जो है एक वार्ड तैयार कर दिया गया है, स्वाइन फ्लू से निपटने की सभी तैयारियां कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य महकमा स्वाइन फ्लू को लेकर के एक बार फिर से अलर्ट मोड पे है। रायबरेली के जिला अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं कर दी गई, बाकायदा डॉक्टरों की टीम की भी तैनाती की गई है। तो स्वाइन फ्लू को लेकर के स्वास्थ्य महकमा रायबरेली में अलर्ट है। विशाल जी बिल्कुल, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों काम से जानकारी लेने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कौस्तुभ आपका भी, प्रशांत आपका भी और केशवानंद आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं रुक करूंगा डॉक्टर आर एन चौरसिया जी का, पूर्व अध्यक्ष हैं IMA के। सर, बड़ा सीधा सा सवाल आपसे करूंगा, किस तरीके से हर चीज, हर बीमारी को हम लोग बड़ा ये कहते हैं उनके रोकथाम के लिए बड़ा प्रचार प्रसार होता है, स्वाइन फ्लू हर बार आता है लेकिन उस तरीके से प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। कहीं IMA की तरफ से भी मुझे लगता है कोशिश उस तरीके से नहीं कर पा रही, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हम TB के लिए जैसे हम लोगों ने एक पूरा कैंपेन चलाया, हम लोग कोविड के लिए कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन हम उन जगहों पर नहीं पहुंच रहे हैं जहां पर सुअर पालन हो रहा है। हम उन सड़कों पर आके कह जरूर रहे हैं, लेकिन वहां कोर जगह पर हम अपनी बात को रख ही नहीं पा रहे हैं कि इस बीमारी से ये नुकसान है और इन इन लोगों को बचना चाहिए। सर, दरअसल देखिए बात यह है कि जैसे ये तो बिल्कुल निश्चित है कि जहां पर सुअर पाले जाते हैं वहां से इस बीमारी की शुरुआत होती है। फ्लू तो एक कॉमन चीज है जो जुकाम, बुखार, खांसी के रूप में आता है, लेकिन स्वाइन फ्लू एक गंभीर समस्या है जिसमें कि सुअरों का विशेष योगदान होता है। तो दो पहलू हैं इसके, एक तो ये है कि हम बचाव के रास्ते पर जाएं। आप ये देखें कि जहां पर
लोग रहते हैं, तो सुअरों का वहां पर रहना कितना उचित है, ये बेसिक क्वेश्चन है। और जब तक इस लेवल पे कोई रोकथाम नहीं की जाएगी तब तक ये बीमारियां होती रहेंगी, क्योंकि कांटेक्ट अगर बात होता है तो बीमारी का होना स्वाभाविक है। और दूसरी बात ये कि बीमारी के बारे में जब कोई केस होता है तो उसमें जागरूकता होती है, मीडिया भी जागरूक होता है और सारे लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं, उसका नतीजा होता है कि उतने समय के लिए वो रहती है। लेकिन कोई नियमित रूप से इसका इसका कोई प्रचार और प्रसार नहीं होता, ये बात बिल्कुल निश्चित है। जहाँ तक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समय समय पर कैंप आयोजित करके इस तरह के कार्य करती रहती है। चूंकि इसमें स्वाइन फ्लू में उसका योगदान बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है कि ये एक आइसोलेशन एक कंप्लीट प्रक्रिया है, जैसे इसमें एक ट्रेसिंग होती है और साथ में होता है, स्क्रीनिंग होती है, तो ये सब व्यवस्था सरकार के ही द्वारा की जाती है, प्राइवेट सेक्टर में या किसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये पॉसिबल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने शुरुआत की है, मतलब ज्यादा जनता को अवेयर करने की जरूरत है, और चूंकि बहुत क्राउडेड हम लोग की पॉपुलेशन है तो इसमें उतना कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और उतनी वो और दूसरी जागरूकता के अभाव में कई दफे लोग इन चीजों को बताते भी नहीं है, उनसे उनको छुपाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इन बीमारियों के फैलने का। जब तक इस तरह की जागरूकता की अगर कोई परेशानी हो रही है तो उसका टेस्ट होना चाहिए, और टेस्ट के साथ में अगर उसमें निकलता है तो जो आसपास के लोग हैं, जो कांटेक्ट में लोग हैं, कांटेक्ट ट्रेसिंग जिसे कहते हैं, या जो ट्रेवल हिस्ट्री है कि कौन लोग बाहर से आए हैं जो इसको लाने की संभावना जिनकी है, तो ऐसे लोग चिन्हित करके उनके लिए काम करने की जरूरत होती है। लेकिन इसमें अपेक्षित जो लाभ है, अपेक्षित जो उम्मीद की जाती है, वो आम जनता से नहीं मिल पाती है। कांटेक्ट में आ जाते लगता है हैं कि लोग डरते हैं बताने में, उनको बड़ी चिंता होने लगती है, हिस्ट्री नहीं बताते हैं, तो इन ये ऐसे कारण है जिससे बीमारी बहुत तेजी से फैल जाती है। और सर मुझे लगता है कि लोग बड़ा डरने लगते हैं कि अरे नहीं किसी को बताएंगे, ये हो जाएगा, वो क्या सोचेंगे, और फिर हम उनसे भी मिले थे, ये धारणा बढ़ गई, क्योंकि मैंने कोविड के समय से देखा है, अगर कोविड आपको है तो आप इलाज करा लीजिए उसका, ऐसा तो है नहीं लाइलाज बीमारी है, लेकिन अगर आप उसको अपने अंदर पालते रहेंगे तो वो लाइलाज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है कि स्वाभाविक है, डरना तो स्वाभाविक है, लेकिन उसके लिए कार्य करना भी जरूरी है, उसके लिए उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं से ट्रेवल करके आए हैं तो डेफिनेटली ये बात डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि भाई ये ट्रेवलिंग हिस्ट्री है इनकी, या किसी को प्रॉब्लम है तो उसके आसपास लोगों को ये एडमिट करना पड़ेगा कि हम इनके पास में थे, हम इनके कॉन्टेक्ट में थे। देखिए कॉन्टेक्ट की चीज तो लोग ही बता सकते हैं ना, ऐसा कोई टेस्ट नहीं बना है जो ये पता लगा ले कि इनके कॉन्टेक्ट में कौन कौन से लोग थे। जिनमें सस्पिशन होता है उन्हीं का टेस्ट होता है, और उन्हीं के टेस्ट से ये बात निश्चित होती है कि बीमारी किसको है और किसको नहीं। बिल्कुल, हम रुक करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी भी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। उससे पहले मैं डॉक्टर राज तिलक के की तरफ चलूँगा। सर बच्चों की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा कोई भी बीमारी हो तो सबसे पहले हम सिक्योर करते हैं कि हमारा जो एक बच्चों का जो है, या उनसे 17-18 साल के उन बच्चों को, कि भैया इनको थोड़ा कवर कर लीजिए, अगर ये बच गए तो फिर हम लोग तो उस लेवल पे आ जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि उनको बचाने के चक्कर में लापरवाही खूब होती है। देखिए मैं समझा नहीं, बच्चों को बचाने के चक्कर में लापरवाही नहीं, कैसे सर, होती? बच्चों को जब बचाने की बात हम करते हैं, बचाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो उनके पेरेंट्स करते हैं ना, वो लापरवाही करने लगते हैं। फिर वो कहते नहीं, हम तो उनको उनको सिक्योर करके रख ही रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को सिक्योर नहीं करते। तो ये तो आप जहां पर उसको मिल गया फ्लू आप लाके दे देंगे, बच्चा बाहर से नहीं लाएगा तो आप ही लाके दे देंगे, मेरा कहने का मतलब ये था। मैं इसे ठीक विपरीत पक्ष आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए एक तो ये कि स्वाइन फ्लू या किसी भी फ्लू के जो मरीज हैं वो कोरोना की तरह ढेर से एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं, यानी उनको ये बीमारी हो लेकिन लक्षण सामने आए ही ना, लेकिन वो बीमारी के प्रचार प्रसार का काम करते रहें,
तो एक तो बड़ा खतरा ये है कि स्वाइन फ्लू हमारे परिवारों में, घरों में, मोहल्लों में, हमारे सहकर्मियों में, साथ में हो सकता है और वो हमें मौत के दरवाजे तक ले जा सकता है और हमें खबर भी नहीं होती कि हमारे आस्तीन में ये सांप पल रहा है। एक दूसरी बात ये है कि बच्चों में ये बीमारी ज्यादा विकराल होती है और 2/3 मामलों में इसे फैलाने के लिए बड़े नहीं, बच्चे ही जिम्मेदार होते हैं। और जितना छोटा बच्चा होगा उसकी प्रसार करने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। नंबर एक, बड़ों में ये बीमारी प्रकट होने से लगभग 1 दिन पहले दूसरों को संक्रमित करना शुरू करती है और लगभग 3-4 दिन तक भी ठीक होने के बाद करती रहती है इन्फेक्शन होने के बाद में। लेकिन बच्चों में बजाय 1 दिन के ये 5 दिन पहले से संक्रमित करना शुरू कर देती है और बजाय 3-4 दिन बाद में करने के 14 दिन तक संक्रमित करती रहती। जो 60% ट्रांसमिशन है इस बीमारी का वो बच्चों की मार्फत होता है। बच्चे घायल भी ज्यादा होते हैं, सीरियस भी ज्यादा होते हैं, अस्पताल में भी ज्यादा भर्ती होते हैं। एक तीसरा पक्ष ये है कि ये जो फ्लू है, या फॉर दैट मैटर एक खास किस्म का फ्लू जिसे आप स्वाइन फ्लू जी कह रहे हैं या सरकार कह रही है, ये बिल्कुल फ्लू जैसा है। इसको ऊपर से देख के ये नहीं कहा जा सकता है कि ये वायरल फीवर है, फ्लू है या स्वाइन फ्लू है। तो इसके लिए टेस्ट की जरूरत है और टेस्ट हमें वैसे ही चाहिए, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हमें 48 से 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध करा दें। क्योंकि अगर इस बीमारी का इलाज और इसकी दवा 72 घंटे में शुरू हो जाती है तो वो प्रभावी होती है, और नहीं तो उसके बाद दी जाएगी तो उसका कोई असर नहीं आता है, वो निरर्थक हो जाएगी और फिर बीमारी निरंतर बढ़ती चली जाएगी। सोचने की बात यह है कि बच्चे एक तो सक्रिय बहुत होते हैं, आपस में बहुत घुलते मिलते हैं, परिवारजनों के साथ बहुत घुलते मिलते हैं, स्कूल में जाते हैं, हजारों बच्चों के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर एक को भी ये चीज हुई तो दूसरे बच्चों में प्रसारित होना, उनके जरिए से उनके घरों में फैलना और उनके घरों में जो वृद्ध जन है, क्योंकि ये बीमारी उम्र के दो छोरों पे ज्यादा असर करती है, जी या तो इसमें छोटे बच्चे, 5 साल से छोटे बच्चे ज्यादा काल कवलित होते हैं, या मार्केश लग जाता है जो वृद्ध लोग हैं उनको। ऐसी स्थिति में बच्चों में क्या, सब में ही जल्दी डिटेक्ट करना, तत्काल उसका इलाज करना और शासन की ऐसी व्यवस्थाएं होना जैसे कोरोना के समय थी, बहुत जरूरी है। ये स्वाइन फ्लू हर साल आता है इस देश में, इसकी दो पीक्स आती हैं, एक बारिश से लेके अगले 2-3 महीने तक रहती है और एक और दिसंबर दूसरी जाड़े में आती जी है जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में रहती है। जी ये जो बारिश वाली पीक है के नंबर ऑफ केसेस जहां ज्यादा हैं, ये जाड़े वाली पीक से भी बड़ी होती है और ज्यादा केसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सर इसकी वैक्सीन कोरोना से, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोरोना की वैक्सीन हमने खोजी थी, बहुत प्रभावी वैक्सीन नहीं थी, सबको लगा पाने में मुश्किल थी। इसकी वैक्सीन ऑलरेडी ज्ञात है, बच्चों को कंपलसरीली दी जाती है प्राइवेट सेक्टर में और 5 साल तक तो हर साल देने की व्यवस्था बनी हुई है भारतीय बाल रोग अकादमी की तरफ से, लेकिन सरकारी तंत्र ने अभी उसको मान्यता नहीं दी है और गवर्नमेंट सेक्टर में वो वैक्सीन नहीं लगा। सर, मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से, इधर रुक करते हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी का चेस्ट स्पेशलिस्ट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बचाव के कारण मैं नमस्कार। आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी सर ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में तो एक पॉलिसी बनी हुई है कि वहाँ वैक्सीन लग रही है 5 साल तक, सरकारी तंत्र में नहीं है। अभी हम बात करेंगे उस पर, हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर अरविंद सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनसे इनका इसका रुख जानेंगे कि इस पर कब से वो थोड़ी नज़र डालेगी सरकार और काम शुरू होगा, लेकिन बचाव की स्थिति क्या है इसमें? जैसे कि बताया है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे स्पेशली अभी जबकि बरसात की कमी खत्म होना, ठंडक का शुरुआत होना, जैसा डॉक्टर राज तिलक और डॉक्टर चौरसिया ने बताया है कि अभी इस मौसम में हमेशा वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और आजकल हमने जो किया है, जो हम लोगों के पास पेशेंट आ रहे हैं, नहीं केवल स्वाइन फ्लू बल्कि और भी वायरल इन्फेक्शन आ रहे हैं,
ये बढ़ता हुआ चेंज होता हुआ मौसम, वायरल का प्रकोप, बरसात के बाद में ठहरा हुआ पानी, इस तरह में बहुत सारे इन्फेक्शन हो रहे हैं, ना ही केवल स्वाइन फ्लू बल्कि पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, मच्छर से उत्पन्न होने वाले इन्फेक्शन, ये सारे इन्फेक्शन का प्रकोप कुछ विशेष मौसम में बढ़ जाता है। ज्यादातर जैसे कि हम लोगों ने कोविड में देखा है, इस तरह के वायरल इन्फेक्शन एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में हो जाते हैं और उससे ट्रांसमिट होकर के बॉडी के सारे ऑर्गन को इन्फेक्ट करते हैं। अब प्रश्न होता है कि जो इन्फेक्शन केवल एक मनुष्य से मानव से दूसरे मानव में होना, या एक इन्फेक्शन जो एक जानवर से मानव, मानव से फिर जानवर में होना, इनका प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। स्पेशली जब पिक के ऊपर, जब स्वाइन के ऊपर ये इन्फेक्शन होता है, तो इसमें कई गुना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शन होता है और इसमें म्यूटेशन हो जाता है। जनरली हमने देखा कि हर सीजन में जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसका प्रारूप थोड़े दिनों बाद वो बदल जाता है, क्योंकि जो एक पुरानी थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो जानवर हो, जो बैक्टीरिया हो, जो वायरस हो, वो अपना प्रारूप को बदलता रहता है जिससे वो सर्वाइव कर पाए एनवायरमेंट में। तो इस एनवायरमेंट में जो सर्वाइवल की प्रक्रिया होती है उसमें वो थोड़ा बहुत प्रारूप बदलता है, उसके ऊपर जो वायरल के ऊपर जो कोटिंग होती है वो ट्रांसमिट फर्क हो जाती है, और हर बार इन्फेक्शन ज्यादा वेरुलेंट हो सकता है अगर वो पिक से मल्टीप्लाई करके ह्यूमन में आ रहा है। क्योंकि पिछले काफी दशक में, काफी समय से, कुछ सालों में हम लोग देख रहे हैं जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें जो मानव से मानव होते हैं उसके अलावा जो जानवर से मानव में आते हैं, स्पेशली पिग में जाने के बाद में वो इन्फेक्शन बहुत सीवियर होता है। तो सबसे पहली चीज, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उस समय जो ये सीजन है हमें मालूम है वायरल इन्फेक्शन होने वाला है, हर साल आता है, हर साल वायरल इन्फेक्शन होता है, तो जो कारण है उनको कंट्रोल करा जाए, पिग्स को या जो इन्फेक्शन स्वाइन फ्लू है या किसी और बर्ड से होने वाले इन्फेक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करा जाए, उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो लोग इस उस इंडस्ट्री में है उनको विशेष प्रोटेक्शन कर रखने की जरूरत है कि अपने आप को इस चीजों से बचाएं, उनको प्रॉपर वैक्सीनेट करें, अपनी इम्यूनिटी आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, स्पेशली वो लोग जिनको इम्यूनो डेफिशिएंट यानी कि जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, बुजुर्ग हैं, जैसा डॉक्टर राज तिलक ने बताया कि जो बच्चे होते हैं उनमें, या जो डायबिटिक होते हैं जिसमें वो इन्फेक्शन, जिसमें वो दवाइयां चल रही होती, जिनको कैंसर है, जिन्हें इम्यून सप्रेस करने की दवाइयां चलती है, जिनको किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, प्रेग्नेंट वुमेन है, ये लोग विशेष होते हैं जिनको इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इनको ज्यादा बचाव रखने की जरूरत होती है। जो सांस के पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि ये चीजें जाकर सबसे पहले फेफड़े को संभावित इन्फेक्ट करती है, तो जो सांस के पेशेंट होते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं, इनको विशेष अपने आप को बचाव रखने की जरूरत होती है। और दूसरी चीज, जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, कोई भी इन्फेक्शन जो होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, जो वायरुलेंट है, जो इन्फेक्ट करने वाले बैक्टीरिया या है उनको कितनी है, कितने क्वांटिटी में, कितने ड्यूरेशन तक आप एक्सपोज हो रहे हैं, और आपकी प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, यानी अपनी इम्यूनिटी ठीक रखने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करना बहुत अति आवश्यक है। प्रॉपर व्यायाम, खान पीन का विशेष ध्यान, लेट नाइट जागना और बहुत कम सोना, जो कि सोना भी आपके लिए अति आवश्यक होना है चाहिए, और वो चीज जो जंक फूड कहते हैं जिनको आपकी प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करते हैं, हम जब जंक फूड की बात करते हैं तो पिज्जा बर्गर के ऊपर ध्यान करते हैं, लेकिन क्या हम अपने इंडियन जंक फूड के ऊपर ध्यान करते हैं, समोसे है, कचौड़ी है, मैदे की बनी हुई चीजें हैं, नमकीन है, ये कुछ ना कुछ हम लोग लेते जाते हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करते हैं। तो आपके व्यायाम, खान पान की चीजें, जो इन्फ्लेमेटरी डाइट्स होते हैं यानी जो जंक फूड होते हैं उनको ना खा करके पौष्टिक आहार, फ्रेश चीजों को लेना, इन चीजों का अगर ध्यान रखते हैं तो बीमारी होने से पहले हम लोग रोक दें वो ज्यादा बेहतर है। प्रॉपर वैक्सीनेशन, ज्यादा लोगों का ध्यान, अगर हम इस चीजों को कर लें तो होने वाली बीमारियों को हम लोग रोक सकते हैं। बिल्कुल सर, डॉक्टर अरविंद सिंह हैं, बीजेपी के नेता हैं। अरविंद सिंह जी, आपने सबकी बातें सुनी। एक जो कॉमन बात है कि हम लोग उस तरीके से, स्वास्थ्य विभाग इन सब मामलों पर काम नहीं कर रहा है। कोविड पर भी हम बहुत, जब पीक पे आ गए तब हमने बहुत सी चीज़ें करी। आज अच्छी बात ये है, उसका फ़ायदा अब हमें मिल रहा है कि हमें लेबोरेटरी मिल गई है कि हम जांच कर सकते हैं, भाई तुरंत सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, हमें ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बड़ा सवाल है H1N1 वायरस का, उसकी तेज़ी से क्या प्रचार प्रसार हो रहा है कि भाई इससे रोकथाम क्या क्या है? जिस तरीके से आप लोग जाके आरोग्य
मेले में और तमाम तरीके के ऐप बना के आप लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो CHO NHM कर रहे हैं गांव-गांव जाके, क्या उनमें आपके ये प्लान में शामिल है कि H1N1 वायरस है जो ये 3 महीने बहुत पीक पर रहता है, फिर सर्दियों में पीक पर रहता है, उसको देखते हुए? अरविंद सिंह जी, आप सभी को सादर प्रणाम। हमारे सभी सर ने जो अपनी अपनी बातें रखी वाकई में बहुत ही उपयोगी हमारे समाज के लिए। और रही बात हमारे सरकार के द्वारा जो डॉक्टर्स को जो दायित्व दिया जाता है उसका निर्वहन के लिए, उसमें कोई कमी नहीं है, लगातार सरकार इसीलिए कोशिश करती रहती है। हमारी योगी सरकार जो मेले लगाए जाते हैं वहाँ भी अधिकतम ज्यादातर कोशिश होती है लोगों को अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना कि ऐसी ऐसी बीमारियों से बचाव कैसे किया जाए, और बचाव ही प्रथम है उपाय, और उसके बाद जो आवश्यकता होती है वो मेडिसिन दे ही जाती है। तो लगातार सरकार के द्वारा जागरूकता हर क्षेत्र में, और ये वाकई में ये इतना तेज स्प्रेड करता है जो ये वायरल का जो ये फेज है अभी 2-3 महीने वाला, कि देखते देखते ज्ञान लगभग सभी को है, ये नहीं, और कोरोना जैसी जो युद्ध से जो झेला हो हमारा भारतवासी वो जानता है, बचाव भी जानता है क्वारंटाइन। अब वही केवल उनको याद दिलाने की बात है, एक बार सभी लोग सजग हो जाओ, थोड़ा अपने आप को अलर्ट रखा जाए और लोगों से दूरी बना के रखी जाए, परिवार में भी अगर किसी को होता है तो अपने आप को थोड़ा सा क्वारंटाइन, लोगों से थोड़ी दूरी बना लें, और धीरे धीरे करके जब उसका टाइम पीरियड पूरा होता है लगभग 7-14 डेज, वो धीरे धीरे करके क्योर हो जाता है। जो उस दौरान जो हमारी शरीर में जो खामियां होती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, वो चिकित्सक की सलाह से उसे काबू किया जा सकता है। हाँ, वहाँ कहीं कहीं दिक्कतें हैं जो अवेयर नहीं है, कुछ ऐसे भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे पढ़े लिखे जो हैं सजग हैं, उनके लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो डीप पेनिट्रेटिंग कहीं हैं, उनको हमें आशा बहुओं के थ्रू, NM के थ्रू ये संदेश उनको जन जन तक पहुंचाना, लगातार पहुंचाया जा भी रहा है। अभी जैसे सक्रियता जब से बढ़ी है उनके ऊपर सरकार ने और उनकी जिम्मेदारी बढ़ा दी है। अब डीप पेनिट्रेटिंग जहां पे हमारी शिक्षा का अभाव है वहां पे NM के द्वारा और आशा बहुओं के द्वारा उन गांव गरीब के लोगों जो जो जानकारी नहीं है उनको रखने का, कैसे साफ सफाई का और अपनी जो घरेलू उपाय है वो सब हमारे जो चिकित्सक मंडल जो है उनके द्वारा ये सब किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है जिस बात के पूरा सरकार के द्वारा जो निर्देशित है वो हमारे चिकित्सक बंधु जिसका पालन करके अपने जन जन तक गांव के सब उन गांव गरीब दूरस्थ क्षेत्रों में अपने जो ये आशा बहु और पूरे स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, एक न एक दिन ये काबू कर लिया जाएगा। एक जो घटनाएं जो अभी हुई है जागृत उसमें जल्द से जल्द उसको जहां तक वहीं क्वारंटाइन करके, कोशिश सरकार की यही होगी कि वो जल्द से जल्द उसका निराकरण किया जाए। अभी हमारे सर ने एक बात और बहुत बढ़िया कही कि ये वायरल फीवर ये वक्त नहीं देता, समय नहीं देता, तो जरूर सरकार रैपिड टेस्ट पे विचार करेगी, जैसे उधर हुआ था वैसे इसमें जरूर, और एक अभी उस पर विचार होके कुछ नहीं कुछ रिजल्ट जरूर दिख जाएगा। सरकार कुछ नहीं कुछ जल्द इसका निराकरण करने के लिए कोई नहीं कोई टेस्ट कि 3 दिन में हमें कुछ रिजल्ट आ जाए, उस हिसाब से अपना डॉक्टर्स का कैसे के आगे कदम बढ़ाना है वो क्लियर हो जाएगा। और हमारे मोदी जी ने जब वो कोरोना था ये रूप ही ऐसा होता, उन्होंने अपने शब्दों में कहा भी था कि ये बहुरूपिया होता है, आज आप जिस चीज की तैयारी करेंगे हो सकता है कुछ दिन बाद वो रूप बदल के आ जाए। तो टफ तो होता है ये, लेकिन अगर आप अपने आप को उस लोगों से दूर करके आपको तकलीफ हुई थोड़ा क्वारंटाइन हो लें और थोड़ा जो घरेलू उपाय है ना उससे राहत मिल जाए, तो चिकित्सीय सलाह से हमें पूरी उम्मीद है कि इसको काबू कर लिया जाएगा और कोई इतना बड़ा मामला नहीं बनने पाएगा। बिल्कुल, ये कोशिश है हमारी कि ये बड़ा मामला ना बन पाए। डॉक्टर आर एन चौरसिया सर, आपके पास चलूंगा। अभी एक अरविंद सिंह ने बात कही घरेलू उपाय, ये आपको नहीं लगता क्या कि घरेलू उपाय को लेकर बड़ी चीजें रहती हैं? हर आदमी हर चीज को घरेलू उपाय से जोड़ देता है, उसको लगता है लौंग खा लेंगे, कपूर खा लेंगे तो बड़ा चल जाएगा, ये बड़ा चलन में। हाँ, ये कुछ हमारे देश का भाग्य है कि यहाँ पर भ्रांतियां बहुत हैं और इन पे कोई कमेंट करना या करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि यहाँ पर कुछ ठीक चीजें हैं लेकिन उसके साथ में इतनी गड़बड़ चीजें हैं, ऐसी ऐसी भ्रांतियां हैं कि जिनका कोई जोड़ तोड़ नहीं है। जैसे हमारे खाने में जो चीजें होती हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी चाहिए, तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो भी हेल्दी फूड है उसकी उसकी तो बात ठीक है कि ये हमारे यहाँ घरेलू उपाय हो सकता है कि हम तुलसी लें और ये नीम लें और ये करें, लेकिन उसके साथ में जो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हमको नहीं होगा, हम तो इससे दूर हैं, तो आप इन बातों पे ध्यान दीजिए कि आम जनता जो है
वो इसके प्रति क्या नजरिया रखती है, और हमारे यहाँ छुपाने की बड़ी आदत है। कुछ भी होगा तो देर करने का तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर वो है, कोई भी काम हो आराम से उसको जल्दी नहीं करना है, इत्मीनान इत्मीनान से करना है, जब बिल्कुल हो जाए तो फिर दूसरों को दोषारोपण करना है, चाहे वो चिकित्सकों करना हो चाहे सरकार को करना हो। अरे भाई सरकार भी है तो सरकार क्या कर सकती है। आपका जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि एक केस हुआ है और इतनी जागरूकता आप लोगों ने फैला दी है, ये सही मैसेज आम जनता के लिए है कि वो इससे समझे, उसे उसे एक खाली इसका विषय न बनाए कि ये खाली चर्चा हो गई और ये हो गया। तो इससे जो बात आम जनता को समझनी चाहिए उसके खान पान पर अपना ध्यान देना चाहिए, ट्रेवल हिस्ट्री देनी चाहिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग देनी चाहिए, स्क्रीनिंग के लिए तैयार रहना चाहिए, आइसोलेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। ये विषय है हमारी जनता के जो उस पर सहयोग कर सकती है। बिल्कुल, डॉक्टर राजतिलक के पास चलेंगे। सर कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें खाने लगते हैं कि नहीं अब इसी को खाएंगे तो इम्यूनिटी बहुत मजबूत रहेगी। जो लोग चिकन थोड़ा खा रहे होते हैं वो बहुत खाने लगते हैं, जिनको अंडे दिख रहे हैं तो अंडे ही खा रहे हैं, तो ऐसी तमाम चीज़ें और कर ले तो वो बीमारी तो बच जाती है लेकिन और 10 बीमारी आपके साथ और लग जाती है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए डॉक्टर राजीव कक्कड़ साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है कि हमारी इम्यूनिटी पूरी लड़ाई का 50% कंपोनेंट है और हमें उसे मजबूत करने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए। अब वैज्ञानिक दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं, कुछ बातों की तरफ उन्होंने इंगित किया है, मैं चाहूंगा कि उन्हें आप फिर से संज्ञान में लें जी। उन्होंने नींद की अहमियत आपके सामने बयान की है, यदि हम 8 घंटे या उससे कम नींद लेते हैं, और बच्चों के लिए तो ये तो 9 से 10 घंटे भी हो सकती है, 11 घंटे हो सकती है, अगर कम नींद लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हम ज्यादा सुग्राही हो जाते हैं इन्फेक्शन को प्राप्त करने के लिए। दूसरी चीज, खाने पीने में जिनको हम ग्योर फ्रूट्स कहते हैं, GYOR, ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ये जो रंग बिरंगे फल हैं, यदि हम खाएंगे तो इनसे हमको विटामिन प्रचुरता से मिलता है। दूसरा DGLV, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यानी गहरे हरे पत्ते वाली सब्जियां, ये बहुत जरूरी है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, तो हमें इनकी तरफ रुख करना चाहिए। तीसरी चीज, जो व्यायाम है वो हमारी ताकत बढ़ाने का, जुझारू बनाने का एक और आयाम है, तो लगभग 45 मिनट से लेके 90 मिनट दुनिया भर में वयस्कों और बच्चों के लिए जो स्टैंडर्ड तय है वो ये है कि आपको रोज कम से कम 45 मिनट तक व्यायाम करना चाहिए, लेकिन भारतीयों के लिए इसका दुगना है, क्योंकि हम लोग जेनेटिकली इंफीरियर हैं इस मामले में, बीमारी जल्दी हमें पकड़ती है, तो भारतीयों को लगभग 90 मिनट व्यायाम प्रतिदिन करने की जरूरत है। इसके सिवा फ्लू वैक्सीन का जिक्र मैंने किया, जैसे बच्चों में 5 साल तक लगाई जाती है, जो बीमार हैं जिनको डॉक्टर कक्कड़ साहब ने इंगित किया, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई उनका ऑर्गन ठीक नहीं है, इम्यूनो डिफिशियंसी है, प्रेग्नेंट है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, उनको भी फ्लू वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। और जो व्यक्ति 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको भी सबको फ्लू वैक्सीन लगवा लेना चाहिए तत्परता से। इसके सिवा जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो चाहे डॉक्टर हो, नर्सेज हो, फार्मेसिस्ट हो, या हॉस्पिटल का क्लर्कल स्टाफ हो, उसके लिए भी जरूरी है कि वो तत्काल फ्लू वैक्सीन लगवाएं, ऐसी फ्लू वैक्सीन जिसमें H1N1 का कंपोनेंट मौजूद हो, क्योंकि जब आप वैक्सीन लगवाएंगे इसके बाद आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा, तो ये प्रक्रिया जितनी जल्दी शुरू कर देंगे वो 1 महीना भी उतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। इसके सिवा हमें अपने व्यवहार में, आचरण में, वो सारी चीजें करनी चाहिए जो हम कोरोना की तरफ करते थे, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हम हाथ सैनिटाइज करें अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से कम 3 मिनट साबुन और पानी से, हम कफ एटिकेट्स, बच्चे इसीलिए भी प्रसारित ज्यादा करते हैं क्योंकि वो कफ और स्नीज एटिकेट्स का ठीक से पालन नहीं कर पाते, हम बजाय हाथ में खांसने के हम कोहनी में खांसना शुरू करें,
कोरोना के समय ये बताया जाता था। फिर अगर ये प्रॉब्लम बढ़ रही है तो इनको जल्दी डिटेक्ट करने की व्यवस्था करनी होगी, और ये कहना गलत होगा कि हमारे बीच में स्वाइन फ्लू के केसेस नहीं है या फ्लू के केसेस नहीं है, क्योंकि जितने वायरल केसेस हैं स्वाइन फ्लू इनसे बिल्कुल भिन्न नहीं होता। गुरुग्राम का एक अस्पताल इसे पकड़ पाया क्योंकि वो अपने यहाँ मामूली बीमारियों को भी पूरी तरह से थॉरोली इन्वेस्टिगेट करते हैं, RT-PCR कराते हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं, वहां से लिख के आ गया, इसलिए हड़कंप मच गया। हमारे यहाँ ये सब काम होता ही नहीं है। कानपुर में अगर स्वाइन फ्लू कथा करना हो तो आपको KGMC सैंपल भेजना होगा, एक हफ्ते बाद रिपोर्ट आएगी, तो उसके बाद आप उस जांच की रिपोर्ट से कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर 3 दिन में इसकी दवा जिसका नाम ओसल्टामाविर है वो नहीं शुरू की जाती है तो ये प्रभावी होती ही नहीं है। ये हमें तब देना है जब वायरल मल्टीप्लिकेशन की फेज में हो। फिर लोगों के कनेक्शंस को रोकना होगा। आप ध्यान दें, कोरोना के समय जो व्यायामशालाएं थी, जो मॉल थे, सिनेमा घर थे, स्कूल थे, लोगों को पास आने में, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, संचरण सब बंद हो गया था। ये तरीके हैं, अन्यथा वायु के द्वारा, ड्रॉपलेट्स के द्वारा प्रसारित होने वाले इंफेक्शन को आसानी से रोक पाना संभव नहीं है। आप उसके लिए उल्टे हो जाए, शासन करें, तब भी ये हो नहीं सकेगा जब तक हम उतनी शक्ति नहीं बरतेंगे। और आप हमें बता दें, हमने इतनी शक्ति बरती, कितने लोग कोरोना से बच गए? अपने अंदर झांक के देखें। ये जो एरोसोल इंफेक्शन ट्रांसमिशन है, इसको रोक पाना एक परिवार में और कम्युनिटी में लगभग असंभव है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पे कोशिश करनी होगी, वैक्सीन लगवाने पे हमें प्रयास करना होगा, भोजन, व्यायाम और नींद का समुचित उपयोग करना हो। जी राजीव सरकार रुक करेंगे सर, आप तक हमारी आवाज़ आ रही हो। सर, नींद को लेकर कई भ्रांतियाँ हैं कि जो कई लोग सोते हैं कि रात में जग लेंगे और दिन में सो लेंगे तो हमारा काम ठीक है और 8-10 घंटे तो हम सो ही लेंगे। इसको लेकर सर एक चीज़ बता दीजिए कि नींद को लेकर राजतिलक सर ने भी कहा कि 8 घंटे नींद चाहिए, लेकिन ये 8 घंटे नींद दिन में चाहिए या रात में चाहिए? क्योंकि यहाँ पर तो लोग, मैं देखता हूँ मेरे कई दोस्त हैं, वो रात भर जगे रहते हैं, फिर वो सुबह सोते हैं, फिर वो शाम को उठते, तो उनकी सुबह ही शाम को 5 बजे हो रही है। जैसा कि अभी डॉक्टर राज, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारे वेलबींग के लिए, हमारी मेमोरी के लिए, सबके लिए नींद एक वो चीज है, एक आपका ब्रह्मास्त्र है जो होने वाले बहुत सारी बीमारियां या और भी बीमारियां और इन्फेक्शन को रोकता है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उसमें बच्चा पैदा होने के बाद 10-10, 12-12 घंटे, 18 घंटे तक की नींद होनी चाहिए, और जैसे जैसे आदमी व्यस्त होना चाहिए, व्यस्त होता चला जाता है, एडल्ट होता चला जाता है, उसकी नींद की मात्रा 6-8 घंटे की जरूरत है, और वो भी रात के लिए। हम लोग जो मैमल्स हैं, जो स्तनधारी लोग हैं, जो आदमी लोग हैं, मानव हैं, उनको सबसे कॉम्प्लिकेटेड उनकी स्लीप पैटर्न होता है, ब्रेन सबसे ज़्यादा एडवांस होता है, और उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं N1, N2, N3, देन रैम स्लीप। जो N3 और रैम स्लीप होती है उसमें बॉडी का रिपेयर होता है, मेमोरी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करने वाली चीज़ें बनती हैं, और उसके अलावा जो कैंसर सेल्स होती हैं पर डे बॉडी में बनती है, उनको मारने की भी क्षमता बढ़ती है। अगर हम एक महीने तक या कई महीने तक, जो आप कह रहे हैं कभी डे में सोए, कभी रात को सोए, इस तरह करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में 8 घंटे की ब्लॉक स्लीप की जरूरत होती है, 8 घंटे रात के लिए, क्योंकि रात के समय एक मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रेट होता है जो रात के समय सोने के लिए आदमी के लिए जरूरी होता है। ऐसा कोई नहीं होता कि 4 घंटे रात को और 2 घंटे हम दिन में सोने तो नींद पूरी हो जाएगी, वीकेंड आया हम लोग पूरे हफ्ते की जो नींद है वो हम पूरी कर देंगे। कोई ये बैंक का अकाउंट नहीं है कि हम हर बार उसमें कुछ कुछ डालते जाए और एंड नेट रिजल्ट में एग्रीगेशन में ये हो जाए। तो अगर हम इस तरह कम सोते हैं, रात की शिफ्ट लेते हैं, तो हमारे 700-711 DNA जो होते हैं वो मॉडिफाई कर जाते हैं। उसमें 50% DNA वो होते हैं जो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, 50% DNA वो होते हैं जो कि आपकी बॉडी में कुछ बीमारियां पैदा करती हैं, जिसमें हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज है, और भी कैंसर है, ये इस तरह की बीमारियां आपके लिए होती है। किलर सेल्स, जिनको हम प्रतिरोधक क्षमता के लिए एंटीबॉडीज कहते हैं, उनका फॉर्मेशन होना जो कि कैंसर सेल को मारते हैं, जो आपकी
इम्यूनिटी के लिए लड़ते हैं उनकी मात्रा दिन पे दिन कम होती जाती है। अक्सर हम लोगों ने स्वयं भी देखा होगा जब हम लोग रात की कम नींद लेते हैं तो दूसरे दिन जुकाम हो गया, हमारी इरिटेबिलिटी बढ़ गई, हम लोगों से रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं कर रहे हैं, हमारी कार्य करने की क्षमता कम होती जा रही है। तो नींद हमारे लिए अति आवश्यक है। अगर हम कम सोते हैं तो हमारे अपनी लाइफ को कम कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम कर रहे हैं। एजिंग फास्ट हो रही है, हम हैं तो 30 साल के लेकिन हम 40 साल के लग रहे हैं। जितने भी अच्छे प्लेयर्स होते हैं जो ओलंपिक में बेस्ट परफॉर्मेंस है उनका कहना यह है कि अगर हमने, हमें खुद नहीं मालूम, हम 9 घंटे सोकर आए और डायरेक्ट वहां पे फील्ड में गए और हमने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करी। जितने भी ब्यूटी के लिए लोग कंटेंट्स में जाते हैं वो लोग भी अच्छे से नींद लेते हैं जिससे इनर ब्यूटी आपकी होती है। तो नींद आपके लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, इंजरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, के बिना हम नहीं सोते हैं तो होने वाली बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। बिल्कुल, मैं डॉक्टर अरविंद सिंह का रुख करूंगा। अरविंद सिंह जी, एक बड़ी बात सर ने कही कि भाई यहाँ पर कानपुर एक शहर औद्योगिक राजधानी और तमाम तमके लगे हुए हैं इस पर, लेकिन जांच कराने के लिए अगर मान लीजिए कि H1N1 वायरस की जांच हो गई, पहले तो हर अस्पताल में होगी नहीं, और जहां हो गई तो वहां से भी लखनऊ जाएगी, फिर लखनऊ जाएगी तो हो सकता वहां और भी जिलों से आई हो तो वहां नंबर नहीं लग पाएगा। तो मान लीजिए हफ्ते भर की पूरी ये परेड है और हफ्ते भर में अगर खुदा ना खासा मरीज की हालत बिगड़ गई तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? सर ने बताया है जैसा कि वाकई में पहले तो यही होता था, सेंट्रलाइज रखा जाता था, इतनी बड़ी लैब केवल लखनऊ में ही होती थी, लेकिन जैसे आवश्यकता अभी पड़ी कोरोना में धीरे धीरे करके रीजनल लेवल पे भी वो लैब डाली गई। तो आवश्यकता अनुसार जैसे अगर वहाँ कुछ मामले बढ़ते हैं, कुछ केसेज होते हैं जो शायद की चिकित्सक के द्वारा हमारे जो है आसानी से न काबू किया जा सकता, रोग प्रभावी होने लगता, तो जरूर सरकार उस पर विचार करके कुछ न कुछ ऐसा उपाय करेगी कि त्वरित टेस्ट वहां पे उपलब्ध हो पाए और जल्द से जल्द उसका निराकरण करके और स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके जो रोगी बंधु। और क्या क्या सरकार को करना चाहिए? चलिए सारी बातें तो बता दी। सबसे बड़ी बात है तो अपनी तरफ से भी कुछ कर दे। अरे मैं कह रहा हूँ इतने बड़ा पैनल बैठा है, देश के जाने माने डॉक्टर हैं, सबसे एक बार अगर सरकार, मैं कह रहा हूँ जिस जिस जिले से उन्हीं जिले के प्रशासन से अगर फोन करके कोई पूछ ले कि भाई सर ऐसी सी बात है कि आरएन चौरसिया सर को फोन कर लिया कि सर आपसे कुछ सलाह मशवरा करना है, डीएम साहब ने बुला लिया आपको, सर प्लीज डॉक्टर राज तिलक जी चले गए, डॉक्टर राजीव कक्कड़ चले गए, तो आपको अच्छे ही अब तो जानकारी मिलेगी और आप कैसे उससे लड़ सकते हैं। कोविड के समय किया था लेकिन फिर वो बंद हो गया। हम लोगों क्या, जैसे अभी सर ने कहा कि मास्क, अब मास्क कहाँ बिक रहे हैं बताइए? एयरपोर्ट पे पहले वो था, अब एयरपोर्ट पे ही बंद हो गया, सीट नहीं मिल रही थी, बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट किसके चेक हो रहे हैं? कहीं कुछ नहीं, अब तो सब नॉर्मल जीवन जीने लगे हैं हम लोग। इसमें कोई शक नहीं, जैसा सर ने जितनी बातें रखी है वो बातें जन जन तक अगर पहुंच जाए तो ये जो अभी बातें उठ रही हैं, जो केसेज हैं, उनको हम त्वरित रोक सकते हैं। सबसे बड़ा हमारा जो व्यक्तिगत रहा है उसमें सरकार हमारी कोशिश जहां तक करेगी कि प्रचार प्रसार का अभियान जो है प्रभावी करके लोगों को जन जन तक की बचाव कैसे किया जा सकता है उस पर ज्यादा जोर देगी, और अपनी पूरी चिकित्सीय मंडल गांव गांव शहर इतने बड़े बड़े होर्डिंग और लगा के, और जो जैसे आप बताए कि अभी मास्क की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो रही है, धीरे धीरे करके उसको सुधारा जाएगा और धीरे धीरे आने वाले समय पे जैसा योगी सरकार का अभी लास्ट कोरोना पीरियड में आपने देखा होगा मॉडल कि वो देश से छोड़ दो विदेश तक के उनका प्रशंसा हुई थी, हमें पूरी उम्मीद है कि त्वरित सरकार होंगे और पूरी बैठक कर करके जल्द इसका निराकरण किया जा सके। इसमें कोई थोड़ी भी लेट नहीं करेंगे हमारे मुख्यमंत्री माननीय। मैं तो कह रहा हूँ पोस्टर बैनर वाली बात अपनी अच्छी बात कही, लेकिन आपको दो तीन चीजें मैं सजेस्ट कर दे रहा हूँ ना, जैसे मेलों की परमिशन देना बंद कर दीजिए अभी से, क्योंकि तो ऐसे भी अमूमन मेले जो लग रहे हैं बड़े बड़े, मैं देख रहा हूँ आजकल जादूगर बहुत हो गए हैं, वो जादू कर रहे हैं, वो ऐसा जादू करके जाएंगे कि हम इसको संवारे नहीं संभाल पाएंगे। सारे पहलुओं पे विचार करके कि कम्युनिटी ज्यादा इकट्ठा ना होने पाए, वो एक बिंदु नहीं है, मतलब उस पर सारे बिंदुओं पे विचार करके कैसे उसे कि ये स्प्रेडिंग ना होने पाए उस पर सबको जो जो जानकारी नहीं उनको जानकारी देके और अनावश्यक ऐसी भीड़ ना इकट्ठा होने पाए, स्प्रेडिंग वहां पे होगा, सारे बिंदुओं पे विचार करेगी। वरना तो हम लोग उसी देश में रह रहे हैं जैसी भी खुदाई भी यहाँ भीड़ इकट्ठा कर लेती है, तो यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करना और जादू क्रिकेट मैच इन सब में तो बहुत भीड़ हो रही है। आरएन चौरसिया सर के पास चलेंगे। सर एक अपील जो लोगों से आप करना चाहें, आम जनता, हम ही लोग जानकारी दे रहे, सरकार भी अपना काम कर ही रही तो हम लोग भी अपना काम कर ही ले। जी, आम जनता के लिए हमारा संदेश ये है कि जानकारी को बढ़ाएं और
कोई भी समस्या आने पर तुरंत उस पर करें और जैसे राय दी जाए। दरअसल चिकित्सा की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इसमें राय कुछ दी जाती है, करते लोग कुछ हैं। ये एक ऐसा हमारे यहाँ तरीका है कि वो राय को कम मान करके बाकी चीज़ों पर ज़्यादा जाते हैं, या फिर जो छिपाने की आदत मैंने आपको बोली, मान लीजिए केस हुआ है तो यस ये हमारा केस है और इसमें जो हम लोग इनके कॉन्टेक्ट में थे, ये तो एडमिट जब तक नहीं करेंगे तब तक तो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हो ही नहीं सकती है। अब सरकार कौन सा ऐसा तरीका लगाएगी, कौन सी ऐसी पुलिस लगाएगी, कौन सी ऐसी फोर्स लगाएगी जो मालूम करे, इसके लिए तो लोगों को खुद ही सामने आना पड़ेगा। और ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि लोग इसमें भागीदारी सुनिश्चित करें, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई बहुत लाभ होने जा रहा है। जी डॉक्टर राजतिलक सर, एक मैसेज जो आम जनता के लिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रिवेंशन के बचाव के ढेर से उपाय अभी यहाँ पे इस कार्यक्रम में सामने आए हैं, उसमें सबसे प्रभावी एकमात्र उपाय फ्लू का टीकाकरण है। बाकी चीजें कामयाब हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो सरकारी स्तर पे या व्यक्तिगत स्तर पर कम से कम जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, यानी जो बीमारी के प्रति ज्यादा सुग्राही है, चाहे वो छोटे बच्चे हों या प्रेग्नेंट मदर्स हों या इम्यूनो डिफिशियंसी से सफर करने वाले लोग हों या ऐसे लोग हों जिनका कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है या इनको ऐसी दवाइयां चल रही हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो गई है, या फॉर दैट मैटर सीनियर सिटीजन्स हों, उन सबको फ्लू वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए तत्परता से, क्योंकि उसके बाद भी एक महीना लगेगा उनका असर आने में। दूसरी चीज जो इससे बचाव की दवा है, ओसिल्टामिविर जिसको कहते हैं, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका पर्याप्त भंडारण कर लिया गया है और शहरों तक उसको पहुंचा दिया गया है, क्योंकि जिस समय हम ढूंढने निकलते हैं ओसिल्टामिविर, मरीज को लिख दिया इसको ऐसे ऐसे दो, मालूम पड़ता है किसी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, और अभी तो साहब लखनऊ के स्टोर में है, और मैंने कहा अगर 72 घंटे के अंदर दे देंगे तो काम करेगी, नहीं तो कोई काम इससे संभव नहीं है। उसके बाद तो आपके मौत के परवाने पर दस्तखत हो गए प्रकृति के। तीसरी चीज जो हमारे खांसने और छींकने के तरीके हैं उनको हमें बदल लेना चाहिए, कम से कम इतना हम कर सकते हैं, नहीं तो छींकने के बाद में हमारे जो सांस के साथ निकलने वाले पार्टिकल्स हैं वो 6 मीटर दूर तक जाते हैं। तो जो लोग भी उस जद में हैं उन सबके संक्रमित होने का खतरा है। फिर हमें हाथ मिलाना बंद कर देना चाहिए। नमस्कार अच्छी टेक्निक है, कोरोना के समय ये बात आई थी, हमें लगता है फिर अख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि हाथ मिलाने से हम एक व्यक्ति अपना इन्फेक्शन दूसरे को संक्रमित कर देता। अगर हम इतना करेंगे और ये जागरूकता का अभियान स्कूलों में, कॉलेजों में, कार्य के स्थलों पे, तमाम समूहों में किया जाएगा, और आप पत्रकार बंधु तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं, हमारी शुभकामनाएं कि आप पहले चैनल हैं जिसने इसके ऊपर एक कार्यक्रम आज किया है, ये आपकी जागरूकता प्रदर्शित करता है। मुझे लगता है और इस तरह के चैनल इस दिशा में आगे आएंगे और ऐसे कार्यक्रम ज्यादा आवृत्ति के साथ होंगे। बिल्कुल, राजीव सर के पास चलूंगा, फाइनल कमेंट उनसे लूंगा। सर आपकी तरफ से कोई मैसेज? सर अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि क्षमता को होना चाहिए, वो सारे प्रकरण करने चाहिए जो कि हमें अपने होने वाले इन्फेक्शन को बचा सकें। और सबसे जरूरी है, अगर माइनर इन्फेक्शन भी है जो आपके लिए बहुत छोटा सा इन्फेक्शन, वो किस समय प्रकरूप बढ़ा ले ले, ये वास्तव में स्वाइन फ्लू है या कोई एक छोटा सा कफ एंड कोल्ड है, इसकी शुरुआत में हमें मालूम नहीं पड़ता है, तो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करें। एक आदमी आइसोलेट हो करके कम से कम 10 से 15 लोगों को इन्फेक्ट होने से बचा सकता। हम तो मास्क लगाएं, लेकिन जो आदमी इन्फेक्टेड है अगर वो मास्क लगा ले, अपने आप को आइसोलेट कर ले और लोगों के बहुत संपर्क में ना आए, तो ये इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी चीज यही है। उसके अलावा जो अपने रोजमर्रा के खान पान और अपने एक्सरसाइज का पैटर्न, उसको हमेशा बचा के रखना चाहिए। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं जिनको
बहुत ज्यादा इम्यूनिटी कम है, ओल्ड एज है, प्रेगनेंसी है, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी या रिनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको विशेष बचाव की जरूरत है, विशेष करके बच्चे भी। इसलिए छोटे से इन्फेक्शन को भी हमें बचा के रखना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जैसे मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ, या ऐसी जगह जा रहे हैं जो कम्युनिटी में है और आपको इस बात का डर है कि वहां पे हम इन्फेक्ट हो गए हैं, तो घर में आने से पहले जो कि कोविड नॉर्म्स हैं कि अपने जूते बाहर निकाल के रखें, घर आने के बाद में सारे कपड़े हटा दें, अपने घर आने पर सर धो करके शैम्पू से या साबुन से बालों को साफ रखना वो बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इन्फेक्शन जो स्प्रेड करता है वो आपके पेन, आपका मोबाइल फोन है। अपने मोबाइल फोन को अपने बिस्तर पे मत रखिए, बाहर से कोई भी सामान, स्पेशली जो करेंसी नोट है, जो नोट जो बहुत लोगों के बीच में होकर आए, उसको मुंह में लगा करके काउंट मत करिए, उनको प्रोटेक्ट करके रखिए। अपने बेड के ऊपर वही चीजें रखिए जो सोते समय आपके सांस के द्वारा ना जा रही हो। अपने मोबाइल को अपने बेड पे मत रखिए, बाहर का लाया हुआ सामान सीधे अपने बिल्कुल जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उनके तहत हम लोगों को रहना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, राजतिलक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अरविंद सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राजीव कक्कड़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आर एन चौरसिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग आज बात करें, स्वाइन फ्लू ने यूपी में दस्तक दे दी है, जिस तरीके से कोविड में हम लोगों ने कड़ाई से उसकी नियमावली का पालन किया, वैसे ही इस पर भी करना है, क्योंकि ये भी वायरस स्प्रेड बहुत जल्दी होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।